हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और मेरे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। तो आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आईपीएल का 25th मैच खेला जाने वाला है। आज रात 8 बजे एक तरफ होगी सनराइजर हैदराबाद तो दूसरी तरफ होगी किंग्स इलेवन पंजाब। किंग्स इलेवन पंजाब जो कि अपने 6 मैचों में से 5 मैच जीत चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ सनराइजर हैदराबाद अपने 6 मैचों में से सिर्फ 4 मैच जीती है। और ऐसे में आज कौन सी टीम भारी पड़ेगी और किस टीम की जीतने की संभावना आज ज़्यादा है, ये सब जानेंगे हम मयंक जी से। जी तो मयंक जी, आप बताइए आज कौन सी टीम जीतने वाली है, क्योंकि एक तरफ है सनराइजर हैदराबाद और दूसरी तरफ है किंग्स इलेवन पंजाब। दोनों ही बहुत मजबूत टीमें हैं आईपीएल की, और किंग्स इलेवन पंजाब लगातार बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सनराइजर्स हैदराबाद की, यानी कि मुकाबला वहीं पर है। अगर तो शुरुआत करते हैं, हाँ जी, कैप्टन की बात की जाए तो जी, आज उनके सितारे इनका साथ देने जी, वाले जी, हैं जी, क्या? केन विलियमसन के सितारे की बात करें कि आज उनके सितारे मिला जुला फल उनको देंगे, यानी कि कुछ समय बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा और कुछ समय उनके द्वारा लिया गया निर्णय आज गलत भी साबित हो सकता है, कुछ इस तरह केन विलियमसन के सितारे आज कह रहे हैं। तो सबसे पहले उनकी जन्म पत्रिका पर हम लोग एक नज़र डालते हैं। केन विलियमसन की मेष लग्न की कुंडली है और कुंभ राशि है उनकी। जिस तरह से उनके सितारे इस समय चल रहे हैं और जो ग्रहों की स्थिति आज के दिन की बन रही है, राशि से उनके अष्टम भाव में चंद्रमा चल रहे हैं, जो संकेत देता है कि सफलता मिलती है मगर बहुत संघर्ष के बाद मिलती है। तो इतनी आसानी से इतनी इनको सक्सेस नहीं मिलेगी आज, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और जो उनके इस समय सितारे चल रहे हैं, जो ग्रह चाल इस समय चल रही है, सूर्य उनका बहुत इस समय बलवान है, इसी वजह से लगातार सनराइजर्स हैदराबाद अच्छा प्रदर्शन कर रही है। पिछले मैच में भी हमने देखा मुंबई इंडियंस को, उन्होंने 31 रनों से मात दी थी और बेहतरीन खेला था, जबकि उस मैच में ये उम्मीद नहीं थी कि हैदराबाद जीत जाएगी। तो इसलिए सितारे स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, लेकिन आज का दिन उनके लिए एक मिला जुला रह सकता है, सितारे आज के कुछ ऐसे कह रहे हैं। और अगर बात करते हैं हम किंग्स इलेवन पंजाब, जो कि कप्तान उनके आर अश्विन हैं, उनको इस बार कप्तानी मिली है, तो उनके सितारे क्या कहते हैं, उनकी वृश्चिक लगन है और राशि उनकी भी कुंभ राशि है, यानी कि दोनों की कप्तानों की राशि आज सेम है, जो उनकी चंद्र राशि जो हमने कुंडली के हिसाब से निकाली है, और इनका भी दिन आज मिले जुले से थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रहा है। तो अश्विन के सितारे भी इस समय बहुत अच्छे चल रहे हैं अगर हम देखें उनकी कुंडली में, और उनकी कुंडली में एक शुक्र ऐसा ग्रह है जो कि उनको बड़ी तेजी से सफलता दिला देता है, भाग्यशाली योग बना देता है कि किस्मत के बलबूते पर वो विकेट्स निकालने में कामयाब हो जाते हैं या उनकी किस्मत साथ देती है, टीम उनकी जीत जाती है। तो अब आप देखिए किंग्स इलेवन के कप्तान बने हैं और एकदम से टीम ने जीतना शुरू कर दिया। पिछला मैच अगर देखा जाए तो दिल्ली डेयरडेविल्स में तो किंग्स इलेवन ने अपनी क्या दबंगई दिखाई और पूरे 4 रनों से हरा दिया। जी जी जी, बड़ा कांटे का मुकाबला वो हुआ था, लेकिन इस समय आज भी उनके सितारे, उनको भी आज मिला जुला उनका प्रदर्शन रहेगा। तो अगर हम देखें दोनों ही कप्तानों की बहुत ही बैलेंस आज होरोस्कोप नजर आ रही है, लेकिन दर्शक ये जानना बेहद मतलब जानना चाहेंगे कि भाई दोनों भले ही दोनों की कुंडली बैलेंस है, लेकिन कौन सा कप्तान आज भारी पड़ने वाला जी? देखिए इस हिसाब से हमें कोई ना कोई तो प्रेडिक्शन करनी ही है कि कौन सी टीम आज बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। अगर सितारों को देखें तो अश्विन का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है आज, यानी कि किंग्स इलेवन पंजाब के आज 55% मैच जीतने की संभावना हमें नजर आ रही है या बेहतर प्रदर्शन करेंगी, और अगर उसका हैदराबाद का देखें तो वो 45% रहेगा। तो ये हमारी आज की प्रेडिक्शन है कि किंग्स इलेवन पंजाब की टीम थोड़ी आज बेहतर नजर आ रही है, मतलब पंजाब आज हैदराबाद पे भारी पड़ने वाली है। लेकिन अगर की प्लेयर्स देखा जाए, अगर बात की जाए सनराइजर हैदराबाद के की प्लेयर्स की, तो क्या कहते हैं उनकी? देखिए हैदराबाद के प्लेयर्स देखें, धवन तो बिल्कुल ही कोई शक नहीं है बेहतरीन फॉर्म में है, अगर धवन चलते हैं, भुवनेश्वर जो उनकी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं भुवनेश्वर भी, और एक उनका प्लेयर जो है पठान, जो कि अगर आज इनको खेलने का मौका मिलता तो इनका दिन आज बहुत शुभ नजर आ रहा है, आज एक बड़ी पारी खेल सकते हैं। और हैदराबाद को अगर इनको मौका मिला है तो अगर इनको आज मौका मिलता है तो आज मैच जिता भी सकते हैं, तो इनके आज ग्रह बहुत स्ट्रांग है। देखिए हम कप्तान की कुंडली तो डिस्कस करते ही हैं, लेकिन क्योंकि हम टोटल 11 खिलाड़ियों की कुंडली नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर किसी खिलाड़ी का दिन बहुत अच्छा होता है तो अपने बलबूते पर पूरे मैच को अपने तरफ मोड़ लेता है, तो ये हमने कुछ मैचेस में देखा भी है पिछले कुछ मैचेस में। तो उस तरह के कुछ आज सितारे हमें यूसुफ पठान के नज़र आ रहे हैं, अगर इनको मौका मिला तो आज ये कुछ भी कर सकते हैं, बल्लेबाजी और गेंदबाजी से दोनों का जलवा देने को मिल सकता है। अगर किंग्स इलेवन पंजाब की बात की जाए, यानी कि आर अश्विन की टीम जी, देखिए आर अश्विन की बात करते हैं तो आज अश्विन के लिए मिला जुला दिन रहने वाला है, विकेट्स भी लेंगे लेकिन आज रन कुछ ज्यादा लुटा सकते हैं, इस तरह का संकेत आज उनके ग्रह नक्षत्र से मिल रहा है।
और अगर बात करते हैं जो प्लेयर आज इनका बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, उसमें मिलर, अगर मिलर को मौका मिलता है या लोकेश राहुल है तो ये, हाँ जी जी, तो इनका आज भी इनका दिन बहुत बढ़िया है, ये अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और क्रिस गेल के भी इस समय समय अच्छा चल रहा है, अगर क्रिस गेल को मौका मिलता है तो ये भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी याद कर सकते हैं। तो इसीलिए जो खिलाड़ियों के जो आज होरोस्कोप बन रहा है और अश्विन का मिला के, इसलिए मैंने थोड़ा सा इनको ज़्यादा पॉइंट ज़्यादा दिए हैं कि इनकी टीम का थोड़ा ज़्यादा बेहतर आज प्रदर्शन करने की उम्मीद नज़र आ रही है। यानी कि जैसे कि मयंक जी ने बता दिया कि आज पंजाबी हैदराबाद के लोगों पर भारी पड़ने वाले हैं। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि आज हैदराबाद में रात 8 बजे किंग्स इलेवन पंजाब जीतेगी या फिर सनराइजर हैदराबाद बाजी मार लेगी। ये देखना दिलचस्प होगा। और बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए NMF News।